यह वाराणसी 80 घाट तट पर वह पावन स्थल है जहां वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था और आज इस धरती पर आने का मेरा उद्देश्य है, क्योंकि हमारे सीआरपीएफ के लगभग 40-50 जवान शहीद हो चुके हैं और पूरा देश इस समय खौल रहा है। देश बदला चाहता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने बदला लिया था। मैं चार पंक्त से पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे साथ होना क्या है। पंक्त आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। कि भारत के लालों पर पाक तू प्रहार किया, अब भैरव बन कर हम तुम पे टूटेंगे। कि भारत के लालों पर पाक तू प्रहार किया, अब भैरव बन कर तेरे पर टूटेंगे। और अब तक बहुत तू कूदय उछल लिया, इस बार तेरे भाग्य निश्चय ही फूटेंगे। कि अब तक बहुत कूदय उछल लिया, अब तेरे भाग्य अब निश्चय ही फूटेंगे। तो माफ़ी मांगने का भी समय तुम खो चुके हो, कि माफ़ी मांगने का भी समय तुम खो चुके हो। तेरे आकाओं के भी पसीने अब छूटेंगे। कि माफ़ी मांगने का भी समय तुम खो चुके हो, तेरे आकाओं का भी पसीने अब छूटेंगे। क्योंकि इस बार जैसे धान की कुटाई होती, तेरी खोपड़ी को हम ओखल में कूटेंगे। क्योंकि इस बार जैसे धान की कुटाई होती, तेरी खोपड़ी को हम ओखल में कूटेंगे।